कार्यालय में रविवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य राजद की सदस्यता अभियान से लेकर महंगाई पर चर्चा के लिए था, लेकिन पूरी बैठक अग्निवीर और मांडर विधानसभा उपचुनाव पर जाकर अटक गई। राजद कार्यालय में रविवार को एक बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक का उद्देश्य राजद की सदस्यता अभियान सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए था, लेकिन बैठक पूरी तरह से अग्निवीर पर केंद्रित हो गई। डेफिनेटली ये जो डिसीजन था, ये डिसीजन भी उनका अनमेच्योर डिसीजन है। पहले क्लियर तो करे, जो हमारे देश का जो पिलर है डिफेंस, उसके साथ छेड़छाड़ आपने कर दिया बिना सोचे समझे। 4 साल युवा जो है ऑलरेडी, इनकी जो डिसीजन है उस डिसीजन को देश का युवा स्वीकार नहीं कर रहा है, और यह फैसला उनको वापस लेना होगा। इसमें युवा का भविष्य काफी खतरे में है, और जिनके लिए आप किए हैं वही विरोध कर रहे हैं, वही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसको आपको वापस लेना होगा लेके। और जिस तरह जो पहले प्रक्रिया थी, जो डिफेंस का ऐसा चीज है कि डिफेंस आपको छेड़छाड़ नहीं करना था, जो बहाली प्रक्रिया पहले चल रही थी उसी प्रक्रिया के तहत आप युवाओं को बहाल कीजिए। इधर मांडर विधानसभा उपचुनाव में ओवैसी की एंट्री पर भी राजद ने ऐतराज जताया है। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना है कि ओवैसी की एंट्री से महागठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। महागठबंधन के उम्मीदवार नेहा शिल्पी तिर्की जी भारी मतों से जीतेंगी, और देश में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं और झारखंड में, वे फिर एक बार परास्त होंगे। बहरहाल राजद ने सदस्यता अभियान पर चर्चा के लिए 22 जून के बाद की तारीख निर्धारित करने की बात कही है। देखना होगा कि राजद का ये अभियान क्या रंग। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।